जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले अभ्यास सत्र में आया रोहित शर्मा का तूफान मैदान पर, ऐसी बल्लेबाजी कर हर किसी को कर दिया दंग। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज जो प्रैक्टिस मैच भारतीय टीम ने खेला उस दौरान कैसे रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर हर किसी को भौचक्का कर दिया, उसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि टीम इंडिया को इंग्लैंड पहुंचते से ही मिली बड़ी खुशखबरी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम को दी इतनी बड़ी छूट की जानने के बाद आप भी जरूर झूम उठोगे। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि इस महामारी के खिलाफ जंग में आगे आए युवराज सिंह, किया सभी क्रिकेटरों में सबसे बड़ा दान, जानकर पूरे भारत देश ने ठोका युवराज सिंह को सलाम। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं कि भारतीय क्रिकेट टीम एक लंबे दौरे के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम को पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना है और उसके बाद 5 मैचों की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का भी आगाज होगा, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम के 20 खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। जहां पर दोस्तों हम आपको बताएं कि 18 जून से जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है, उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम पूरा दमखम लगा रही है और जमकर मैदान पर पसीना बहा रही है, जिसके चलते वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करे। और दोस्तों ऐसा ही नजारा आज एक बार फिर से मैदान पर देखने के लिए मिला। जी हां दोस्तों, आज जब लिमिटेड ओवर में भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो आज उन्होंने अपना दमखम एक बार फिर से मैदान पर दिखाया, जहां पर उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर हर किसी को भौचक्का कर दिया। और न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाज तो एक बार के लिए जरूर चिंता में पड़ गए होंगे कि अगर ऐसी ही बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में कर दी तो न्यूजीलैंड की टीम का आखिर होगा क्या। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि आज जब रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो आते से ही पहले तो उन्होंने की पिच को समझा, जहां पर उन्होंने ज्यादा कुछ जोखिम भरे शॉट नहीं खेले, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो उनके बल्ले पर गेंद चढ़ने लग गई उसके बाद तो मानो उन्होंने चौके और छक्कों की बरसात कर डाली। जी हां दोस्तों, आज रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 घंटा मैदान पर बिताया और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 88 रन की पारी खेली। और वहीं दोस्तों 88 रन की पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए थे। तो ऐसे में दोस्तों आज रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इंग्लैंड की पिच पर एक बार फिर से रोहित शर्मा का कमाल हम सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रोहित शर्मा की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर आप उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पूरे इंग्लैंड टूर पर नहीं होगी बायो बबल की पाबंदी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम एक लंबे दौरे के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाली है, जहां पर इस अहम दौरे से पहले इंडिया टीम के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आई है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के एक सदस्य ने पुष्टि की है कि टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पूरा होने के बाद बायो बबल प्रतिबंधों से मुक्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इस बारे में बात करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के एक सदस्य ने क्रिस बस को बताया कि WTC फाइनल के बाद हम बायो बबल प्रतिबंधों से मुक्त हो जाएंगे, इंग्लैंड में बायो बबल की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आवश्यक होगा तो हम टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले यानी कि 4 अगस्त को एक बबल में प्रवेश कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान बायो बबल ना होने के बावजूद सुरक्षित रहने का माहौल बनाए रखना होगा और इसके साथ ही आगामी इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में भी समान मानदंडों का पालन किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों ये काफी बड़ी खुशखबरी है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून से खेला जाने वाला है, जहां पर 18 जून से 22 जून तक ये मुकाबला चलेगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि 2 जून को भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई है, जहां पर BCCI द्वारा चुने गए 20 खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर इंग्लैंड अब पहुंचने वाले हैं और ऐसे में इंग्लैंड में प्रैक्टिस सेशन में भाग लेने से
पहले ही भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि आखिरकार कौन सी कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को अपने नाम करेगी। और इससे पहले जिस तरह से भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लीग मैचेस में प्रदर्शन अपना कर दिखाया वो काबिले तारीफ है, और जिस तरह से कोहली की कप्तानी में टीम ने कदम आगे बढ़ाए हैं उसको देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उम्मीद यही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भी भारतीय टीम ही जीतेगी। लेकिन अगर कोहली को अपनी अगुवाई में भारतीय टीम को फाइनल मैच जिताना है तो उनको काफी कुछ बड़े बड़े बदलावों की टीम में जरूरत है, जिसमें कोहली को जरूरत है कि वो बड़े बड़े नामी खिलाड़ियों को टीम में शामिल करे जिससे कि भारतीय टीम मजबूत हो सके, क्योंकि इंग्लैंड की पिच जिस तरह से हरकत करती है उनको नए खिलाड़ियों को समझने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दोस्तों आगे फिर महेंद्र सिंह धोनी ने बातचीत करते हुए बताया कि आखिरकार कौन सी प्लेइंग 11 टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में उतारनी चाहिए, कप्तान ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। और वहीं टॉप ऑर्डर में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल का नाम रखा है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी अच्छी और शानदार बेहतरीन प्लेइंग 11 टीम भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बनाई है। बाकी दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि धोनी की इस प्लेइंग 11 टीम को देखकर आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, और आपको क्या लगता है क्या ये टीम जितवा पाएगी फाइनल मुकाबले या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, ये खिलाड़ी बना अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया टेस्ट और वनडे कप्तान, असगर अफगान की हुई छुट्टी। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे से मिली शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए असगर अफगान के हाथों से टीम की कमान छीन लिया। जी हां दोस्तों, बोर्ड ने स्प्लिट कप्तानी के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है, तो वहीं जिसमें वनडे और टेस्ट के लिए अलग कप्तान है जबकि T20 के लिए किसी अन्य खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जाएगी। तो वहीं दोस्तों हसमतुल्ला साहिदी को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान की जिम्मेदारी दी है, जिनका साथ दोनों प्रारूप में रहमत शाह बतौर उप कप्तान के रूप में निभाएंगे। तो वहीं T20 टीम की कप्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अभी किसी के नाम पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन T20 में उप कप्तानी का जिम्मा राशिद खान को सौंपा गया है। तो ऐसे में दोस्तों काफी बड़ी बात है, बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, वह खेलेंगे तो जिसके चलते इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होने वाला है, और बोल्ट इस मैच में पहले से ही बाहर थे, लेकिन उनके 10 जून से होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलने की उम्मीद थी, लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि इसमें भी वे शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे नहीं लगता कि आप बोल्ट को इंग्लैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में खेलते हुए देख सकोगे। तो उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।